आज हम कामवन कामा जिला भरतपुर स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर मंदिर श्री वृंदा देवी गोविंद देव जी में आए हैं। वृंदा राधा रानी की एक अनन्य अंतरंग सखी जिसका पूरे विश्व में एकमात्र स्वरूप कामवन कामा जिला भरतपुर राजस्थान में विराजता है। वृंदावन से श्री गोविंद देव जी श्री वृंदा देवी के स्वरूप कामवन पधारे और श्री गोविंद देव जी कामवन से जयपुर पधारे, उनका प्रतिभू स्वरूप यहाँ विराजित है। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदा देवी गोविंद देव जी के साथ जयपुर नहीं पधारी और उन्होंने इस ब्रज 84 कोस को, इस आदि वृंदावन कामवन को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय किया और अपने इसी निश्चय पर कायम रहकर वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी पूरे विश्व में जिनका एकमात्र स्वरूप कामवन में विराजित है, ऐसी वृंदा देवी के दर्शन आज हम करेंगे। श्री वृंदा देवी को जब 1672 में यहाँ से गोविंद देव जी के साथ जयपुर पधराने का निर्णय लिया गया तो उन्होंने राजा को स्वप्न में ये आदेशित किया कि मैं ब्रजभूमि कामवन को छोड़कर, ब्रज के परिक्षेत्र को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगी। कहते हैं राजा ने हाथियों से श्री वृंदा देवी के रथ को खिंचवाने का प्रयत्न किया लेकिन वृंदा देवी का रथ टस से मस नहीं हुआ और आखिर हार कर राजा को श्री वृंदा देवी के स्वरूप को यहीं पधराना पड़ा और श्री गोविंद देव जी उन्हें यहाँ कामवन से जयपुर पधारे, जो आज जयपुर में आप गोविंद देव जी का बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन जो करते हैं वो श्री गोविंद देव जी पहले इस कामवन में ही विराजते थे। और ये देखिए ये बहुत ही सुंदर स्वरूप श्री वृंदा देवी का सुंदर स्वरूप, श्री राधा रानी की अनन्य अंतरंग सखी वृंदा। वृंदा जो है वो तुलसी का एक नाम है और ब्रज में जो तुलसी मंजरी का जो स्वरूप चहुं ओर व्याप्त रहता है उसी तुलसी मंजरी के स्वरूप में श्री राधा रानी की अनन्य सखी वृंदा सखी जो रहस्य लीला में तत्सुख सुखित्व भाव का अनुभव करते हुए श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा को ही अपना सार्थकता मानती थी, ऐसी श्री वृंदा देवी का स्वरूप यहाँ विराजित है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी जिनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और अत्यंत मनोहर कांति और नील वस्त्राभरणा पुष्पों के श्रृंगार से युक्त वृंदावन में ही सतत निवास करने वाली केली रसावी लाशलिनी पिता चंद्रभान एवं माता फुल्लरा के अनुकूल आचरण धारण करने वाली वृंदा देवी जिनके दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से श्रद्धालु और आस्थावान जन यहाँ कामवन पधारते हैं। और कामवन में तुलसी मंजरी के रूप में विराजित वृंदा नाम धारणी श्री राधा रानी की अनन्य अंतरंग सखी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ, अपने आप को बहुत ही आनंद में अनुभव करते हैं। अब हम आपको दर्शन, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ऊपर बहुत सुंदर भित्ति चित्र थे लेकिन अभी कुछ काम जब चला है तो उसकी वजह से आप उन भित्ति चित्रों के दर्शन नहीं कर सकते हैं। आगे हम आपको लिए चलते हैं श्री गोविंद देव जी श्री राधा रानी और श्री ललिता सखी के दर्शनों के लिए। ये आप सामने देखेंगे तो ये श्री गोविंद देव जी बीच में मध्य में बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। ये वही गोविंद देव जी हैं जो मुगल आतंक के कारण वृंदावन से पहले कामवन और उसके बाद कामवन से
जयपुर पधराई गई, जो आज जयपुर में आप श्री गोविंद देव जी का बहुत ही प्रतिष्ठित देवालय जो देखते हैं, वो श्री गोविंद देव जी वृंदावन से कामवन और कामवन से जयपुर पधारे और उनका प्रतिभु स्वरूप इस कामवन के श्री गोविंद देव जी श्री वृंदा देवी मंदिर में 1675 से लेकर आज तक विराजित है। 1675 में श्री गोविंद देव जी का प्रतिभु स्वरूप तत्कालीन कामनाधीश श्री उदय सिंह की आज्ञा से कामवन में प्रतिष्ठित किया गया, जो आज तक भक्तजन रंजन के रूप में कामवन में विराजमान है। इनके वामांग में स्वामिनी जी श्री राधारानी और दाहे अंग में श्री ललता सखी विराजमान हैं। बहुत ही ये प्रतिष्ठित देवालय हैं जहाँ माधवगौड़ संप्रदाय की रीति नीति अनुसार सेवा अर्चना पूजा जो गोविंद देव जी जयपुर के जो वर्तमान में महंत अंजन कुमार गोस्वामी जी जो हैं उनके द्वारा नियुक्त सेवायतों के द्वारा की जाती है। और ये आप देखेंगे तो ये तीसरा देवालय श्री जगन्नाथ जी का देवालय है। श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, ये मध्य में जगन्नाथ जी का स्वरूप विराजमान है और इनके अगल बगल निताई गौरांग बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजित हैं। यहीं से आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन रथ यात्रा निकलती है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें ये सुंदर स्वरूप विराजमान होकर पूरे कामवन ब्रजभूमि कामवन के मुख्य मार्गों से निकलते हुए ये रथ यात्रा जाती है। यही वृंदा देवी गोविंद देव जी का मंदिर वह स्थल है जहाँ से ब्रजभूमि कामवन की पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ होता है। माने ब्रज के चारों ओर जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल आध्यात्मिक और भगवान के लीला स्थल हैं उन सबके दर्शन कराने के लिए जो पंचकोसी परिक्रमा पूरे कामवन के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए 5 दिवस तक आयोजित की जाती है, उसका शुभारंभ इसी वृंदा देवी गोविंद देव जी मंदिर से होता है। और यहाँ श्री नारायण भट्ट जी गोस्वामी द्वारा लिखित श्री कामवन महात्म की कथा का भक्तजन श्रवण कर आगे पंचकोसी परिक्रमा के लिए चलते हैं। एक बार पुनः हम श्री गोविंद देव जी श्री राधारानी श्री ललिता सखी के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। और श्री नारायण भट्ट गोस्वामी द्वारा लिखित कामवन महात्म का श्रवण करके पंचकोसी परिक्रमा इसी स्थल से आगे के पड़ावों की ओर बढ़ती है। एक बार पुनः श्री राधारानी की अनन्य अंतरंग सखी श्री वृंदा देवी का बहुत ही सुंदर स्वरूप जिसके दर्शन करके हम अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रही हैं। ये आप ध्यान रखें पूरे विश्व में एकमात्र स्वरूप वृंदा देवी का स्वरूप एकमात्र स्वरूप है पूरे विश्व में जो कामवन धाम में विराजता है। और ये बहुत ही विशाल देवालय हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत सारे आयोजन होते हैं। ये समक्ष ही शिव परिवार विराजित हैं, शिवालय जिसमें पूरा शिव परिवार के बहुत ही सुंदर दर्शन आपको हो सकते हैं। और प्राचीन ये मंदिर है जहाँ समक्ष श्री गिरिराज महाराज भी विराजित हैं। और इस संपूर्ण देवालय में पूरे देश विदेश से लोग आकर यहाँ दर्शन करते हैं, यहाँ पूजन अर्चन करते हैं, परिक्रमा देते हैं और प्रभु को नमन करके प्रभु को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। ये बहुत ही विशाल मंदिर है जिसमें प्राचीन वृक्ष और इसकी भित्तियाँ आपको इस बात का परिचय करा रही हैं कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है जिसे कामवन के तत्कालीन राजा उदय सिंह जी ने बनवाया था। और ये विशाल वृक्ष
ये यहाँ इस मंदिर की प्राचीनता और जो मंदिर का वैभव है उसका दर्शन कराता है। ये इस मंदिर में पहले बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र विराजते थे, लेकिन मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था होने के कारण इसके पुनर्निर्माण का कार्य, इसके रिनोवेशन का कार्य इस समय संचालित है, जिसके चलते इसमें सुंदर सुंदर उत्कीर्णित भित्ति चित्र बनाने का कार्य आज भी जारी है। निश्चित रूप से इसकी प्राचीन स्थापत्य कला को, प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने के लिए आज भी यहाँ के जो सेवायत और यहाँ के जो व्यवस्थापक गोस्वामी जी हैं वो कटिबद्ध हैं, और उस स्वरूप को आज के परिप्रेक्ष्य में बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और एक सुंदर सा स्वरूप इस मंदिर का, श्री गोविंद देव जी, श्री वृंदा देवी मंदिर का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ इस श्री वृंदा देवी गोविंद देव जी मंदिर में एक छोटी सी वृंदा देवी गौशाला भी संचालित है। यह वृंदा देवी गौशाला श्री वृंदा देवी गोविंद देव जी मंदिर के अपने स्वयं के निजी प्रयासों से संचालित है, जिसमें बहुत ही सुंदर गौवंश विराजित है और बड़ी सुंदर उसकी सेवा यहाँ के सेवायत के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं गौशाला में सुंदर गायों का दृश्य, कैसी सुंदर सुंदर गायें जब हम इस गौशाला की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें सुंदर बहुत ही मनोहारी गौवंश के दर्शन होते हैं। यहाँ इस गौशाला में बहुत ही सुंदर सुंदर गौवंश की सेवा यहाँ के सेवायतों के द्वारा नियुक्त ग्वारिया के द्वारा होती है। तो एक साथ जी मिलकर बोलेंगे श्री वृंदा देवी श्री गोविंद देव जी भगवान की जय।